तो दोस्तों, आज के इस ब्लॉग पे हम कवर करेंगे तीन जगह बुमला पास की तरफ। सबसे पहले हम जाएंगे संगीत सत लेक, जिसे माधुरी लेक भी कहा जाता है आजकल, और उसके बाद हम जाएंगे बुमला पास, और फिर इसके नज़दीक में ही परमवीर चक्र विजेता जोगिंदर सिंह जी का एक मेमोरियल है, जिन्होंने अपनी शहादत दी थी 1962 की लड़ाई में। चलिए इस ब्लॉग को आज यहीं पे स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे जैसे हम पहाड़ों की चढ़ाई चढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे पहाड़ की चोटियां जो है बर्फ से ढकी हुई दिखाई पड़ने लगी। मानो ऐसा लग रहा था जैसे सफ़ेद चादर के लिबास ओढ़ रखी है इस पहाड़ों ने। वाकई बहुत ही खूबसूरत दृश्य था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। संगीतसर लेक हमारा पहला पड़ाव होगा, और सच कहता हूँ दोस्तों, आपको यहाँ ज़रूर आना चाहिए। This lake is one of the most beautiful lake, I can say. जो नज़ारे जो हैं इस लेक के, वो वाकई शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आइए कभी यहाँ पे आप अपने परिवार के साथ और घूमें अरुणाचल। चलिए इस खूबसूरती को कुछ और देर तक एंजॉय करते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ दी सोंगसर लेक और माधुरी लेक, जैसे बहुत लोग जानते हैं। यहाँ पे कोयला मूवी का गाना जो था यहाँ पे शूट हुआ था। सिंस देन इट हैज़ बिकम पॉपुलरली नोन एज माधुरी लेक ऑल्सो अमंग द टूरिस्ट। लकीली मौसम खुला हुआ है। ये हमारा तिरंगा, इसकी शान तो अलग ही है। वो देखिए ऊपर, वहाँ पहाड़ियों से उतरते हुए आए। दोबारा हम जाएंगे बुमला पास के लिए।
ड्यूरिंग विंटर्स ये पूरा फ्रीज हो जाता है एकदम। चलिए यहाँ से हम आगे निकलेंगे बुमला पास के लिए। थैंकफुली मौसम साफ है ऊपर। विंटर में तो ये आपका जो सड़क पूरा जम जाएगा ना, रास्ता भी पूरा बर्फ हो जाता है। जी जी, एकदम विंटर में तो शायद टूरिस्ट नहीं देते होंगे ना। जी, उसमें फिर स्नो है स्नो दोस्तों, बुमला पास। इसे तो BPM पोस्ट, इंडियन एंड चाइनीज ट्रूप्स की यहाँ पे साल में 5 बार मीटिंग करते हैं। यहाँ पे चाइना वाले यहाँ आते हैं एंड 4 टाइम्स इंडिया वाले जाते हैं उस साइड। जन्नत है। Promotion, dance,